हेलो एंड वेलकम टू अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड। भाई आपको मेरी थाली की रेसिपीज कैसी लग रही हैं? अगर अभी तक आपने बाकी की दो रेसिपीज नहीं देखी हैं, जल्दी जल्दी देख लीजिए। तो आज क्या बन रहा है? आज बन रहा है बहुत ही डिलिशियस साबूदाना वड़े। जानती हूँ आपने बहुत बार साबूदाने वड़े ट्राई किए होंगे, आज मेरे हाथों का भी ट्राई कर लीजिए। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम एक बोल में डालेंगे सोक्ड एंड देन प्रॉपरली ड्रेन्ड और ड्राइड साबूदाना। इसका मतलब यह है कि ये साबूदाना में एक्सेस पानी नहीं होना चाहिए, मतलब इसे सोक किया, पानी पूरा निकाला और फिर अच्छे से एब्जॉर्बेंट पेपर से इसे ड्राई कर दिया। अब इसमें जाएगा बॉइल्ड पोटैटो, जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है। फिर डालते हैं चॉप्ड पीनट्स, एंड ये पीनट्स रॉ पीनट्स हैं बिना स्किन के, जिसे मैंने पहले से टोस्ट करके रखा है। फिर थोड़ा जीरा, क्यूमिन सीड्स, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ऑफ कोर्स ये ऑप्शनल है, सेंधा नमक और फिर फाइनली चॉप्ड धनिया। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसे हम अच्छी तरह से हाथों से मैश कर लेंगे, सो दैट इट कम्स टुगेदर व्हेन वी मेक द वड़ा। अब चलिए, वी आर गोना स्टार्ट शेपिंग दिस, एंड अगर चाहिए तो थोड़ा सा हाथ में पानी ले लीजिए, सो इट बिकम्स इजी। ओके, अब ये ऑफ कोर्स आप अपने हिसाब से इसका साइज डिसाइड कर सकते हैं, छोटे छोटे बना सकते हैं, राउंड कर सकते हैं, फ्लैट कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। Looks cute, doesn't it? बस इसी तरह हम और भी बड़े बना लेंगे। तो वड़े शेप हो गए हैं। यहाँ तेल मैंने पहले से ही गरम करने रख दिया था। अब एक और प्लेट में मैं लूंगी थोड़ा सा एब्जॉर्बेंट पेपर। तो जब ये वड़े फ्राई होंगे, जो भी एक्सेस ऑयल है वो इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तेल गरम हो गया है, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्राइंग दीज। Start with these. तो जैसे ही ये वड़े ऊपर आ गए, that means you can flip them. All right, nice. प्यारा सा कलर आ गया है. Gonna take this out. लवली क्रंच। ये जो साइड के कुछ कुछ हिस्से निकल गए हैं, आप अपना पेट उससे भर सकते हैं। ओके, क्रंच इज ब्यूटीफुल, कलर बहुत ही सुंदर है। अब इन बड़ों के साथ प्यारी सी चटनी हो तो और मजा आए, राइट? तो ये चटनी मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल, जस्ट थोड़े से दही और थोड़ी सी हरी चटनी के साथ। तो नवरात्रों के टाइम मम्मी हमेशा एक जार में हरी चटनी जस्ट विद थोड़ा धनिया, नींबू, हरी मिर्च और थोड़ा सा सेंधा नमक के साथ बना के रख लेते हैं, ताकि किसी भी डिश के साथ वो उसे डाल के खा लें। और अब उसी चटनी को मैं अगर डालूं दही में और उसे मिक्स कर दूं, तो एक अनोखी चटनी बन गई, राइट? तो जस्ट डू दैट। और इसका कॉम्बिनेशन इन वड़ों के साथ बहुत ही अच्छा बनता है, ट्रस्ट मी, इट्स मैजिकल। अब लेंगे एक प्लेट, इसमें डालेंगे ये चटनी, अब हमने जो ये वड़े बनाए हैं उन्हें इस प्लेटर में डाल देंगे। और ये
साबुदाना वड़े यानी कि थाली की क्रंची डिश तैयार। तो अच्छी लगी ना ये रेसिपी? प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अमृता रायचक शेफ एंड बियॉन्ड।